चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले स्पेशल रिपोर्ट में कि गजा के युद्ध को 200 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और अब बड़ी खबर यह है कि इस युद्ध में चीन कूद पड़ा है। चीन के आने से सबसे बड़ा खतरा इजराइल पर मंडराने लगा है। चीन ने फिलिस्तीनियों के दो गुटों हमास और फतह का आपस में समझौता करा दिया है। इस बड़ी डील के बाद अब गजा से लेकर तेल अवीव तक इजराइल को डबल अटैक की वार्निंग मिली है। देखिए रिपोर्ट। गाजा युद्ध में कूदा चीन, अब फंस गया इजराइल। 200 दिन की जंग के बाद इजराइल के लिए गाजा युद्ध एक बार फिर नासूर बनता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अभी तक गाजा पट्टी को पूरी तरह से कब्जे का प्लान पूरा भी नहीं हुआ है और इधर गाजा से सटे रफा में इजरायली सेना ने बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पिछले 15 दिनों के अंदर इजरायली सेना ने रफा में दो जबरदस्त और बेहद खूनी हमले किए हैं, जिससे सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। लेकिन इस बीच हारते हमास ने चीन की मदद से ऐसा कदम उठाया है जो इजरायल पर बहुत भारी पड़ सकता है। दावों के मुताबिक गाजा युद्ध में एक तरह से चीन कूद पड़ा है और चीन ने अब हमास के लड़ाकों और फिलिस्तीन में मौजूद फतेह समर्थकों को एक साथ एकजुट कर रहा है ताकि गाजा युद्ध में हमास के लड़ाकों और फिलिस्तीनियों को बचाया जा सके। हम आपको बता दें कि इजराइल के दो दुश्मनों की चीन ने दोस्ती करा दी है। हमास और फतेह अब मिलकर इजराइल का मुकाबला करेंगे। हमास फतेह एक साथ रफा में डबल अटैक। हम आपको बता दें कि फिलिस्तीन में दो गुट हैं जो फिलिस्तीनियों के हक के लिए जंग कर रहे हैं। ये हैं फिलिस्तीनी समूह फतेह और हमास। फिलिस्तीनी समूह फतेह और हमास लगभग दो दशक से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, लेकिन अब चीन ने इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी समूह फतेह और हमास को एक साथ ला दिया है। दोनों को इसराइल के खिलाफ एकजुट कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का दावा है कि फिलिस्तीनियों की खातिर फतेह और हमास ने दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे से हाथ मिला लिया है ताकि इसराइल के हमलों का मुकाबला गाजा और रफा में किया जा सके। اما بالنسبه للي بنسمع عن فتح وحماس وال... وبصير اتفاقيات والاجتماعات في الصين وشيء انا بتمنى يا رب انا مع الصين يا رب انها توقف جنبنا وتسندنا احنا غلابه برضو بدنا نعيش نامل ان يبنى على ما تم الاتفاق عليه سابقا في هذه اللقاءات وان نبدا صفحه جديده خاصه في ظل هذه اب اپ یہ بھی جان لیجئے کہ حماس اور فتح کے سمجھوتے سے اسرائیل کو کیا نقصان ہوگا। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक और कुछ गाजा युद्ध के जानकारों के मुताबिक अभी तक इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और शिनबेत गाजा में इसलिए कामयाब हो रही हैं क्योंकि हमास लड़ाकों की मुखबरी में फिलिस्तीनी गुट फतेह समर्थकों का जबरदस्त हाथ था जो हमास के टॉप कमांडर्स की मुखबरी कर रहे थे। लेकिन समझौता हो जाने के बाद अब हमास और फतेह समर्थक मिलकर इजरायली सेना पर हमला करेंगे क्योंकि रफा में इजरायल ने हमले बहुत तेज कर दिए हैं। जरा इस एनिमेशन से समझिए क्यों रफा में इजरायली ऑपरेशन को खूनी युद्ध कहा जा रहा है। गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफा में इजरायल बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है जिसकी वजह से 23 लाख की आबादी वाले इस इलाके में भयानक खून खराबा होगा। यहां हमास के लड़ाकों से ज्यादा आम इंसान मारे जाएंगे। 15 दिन के अंदर इजरायल की IDF ने रफा में भीषण हमले किए हैं जिसमें लगभग 50 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अब रफा में दुनिया वो खूनी मंजर देखने जा रही है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चीन बेशक हमास और फतेह के बीच समझौता करा चुका हो लेकिन जमीन पर चल रही जंग में इजराइल को हराना जरा भी आसान नहीं है। गाजा पट्टी में 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हमास के लड़ाके अभी भी
इजरायली सेना पर गाजा पट्टी और रफा इलाके से हमले करने में जुटे हैं। सुरंगों का नेटवर्क अभी भी मौजूद है जहां से हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 200 दिन की जंग के बाद भी हमास अभी तक इजरायल के सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहा है। इसके पीछे है हमास के वो नेता जो आखिरी सांस तक इजरायल से जंग करने पर आमादा है। हमास फतेह एक साल, रफा में डबल अटैक। हमास के जिंदा चार टॉप कमांडरों की वजह से गाजा युद्ध लगातार 200 दिन से चल रहा है। हमास का शीर्ष नेता इस्माइल हानिया है जो अभी तक जिंदा है। दूसरे नंबर पर याहिया सिनवार है जिसे खान यूनुस का कसाई कहा जाता है, जो सुरंग युद्ध में बेहद माहिर है, वो भी अभी तक जिंदा है। तीसरे नंबर पर मोहम्मद दईफ है जो हमास आंदोलन की सैन्य शाखा इस अल दीन अल कासम ब्रिगेड का चीफ है और अभी तक जिंदा है। और चौथा है हमास का नेता खालिद मिशाल जो हमास की विदेश में राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख है, जो जिंदा है। अब देखना होगा रफा पर इसराइल के बड़े हमले से पहले हमास और फतेह गुट के लड़ाके इसराइली कोहराम को रोक पाते हैं या नहीं।